गुड मॉर्निंग। आज का पाठ है जब मैं पढ़ता था। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को आज हम लोग रिवीजन करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद नाटक देखकर क्या निश्चय किया, ये प्रश्न हमारा है। उत्तर होगा, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद नाटक देखकर सत्यवादी बनने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ, तो उत्तर होगा, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे, तो उत्तर होगा इसका, गांधी जी का मानना था कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। फिर अगला प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है, तो उत्तर आप लोग लिखेंगे, इस पाठ से गांधी जी के निम्न गुणों का पता चलता है, जैसे सत्य प्रिय, साहसी, उदार और अनुशासन प्रिय। अगला प्रश्न है, इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपको अपना विचार रखना है। जैसे सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट का विचार क्या होता है, सुंदर लिखावट दूसरों को प्रभावित करती है, इससे उनके सम्मान में वृद्धि होती है। प्रातःकाल भ्रमण, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो प्रातःकाल खुली हवा में घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई भी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसरा है, खेलना और व्यायाम, खेल और व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। चौथा है, सत्य बोलना, सत्य बोलना का क्या अर्थ है यहाँ पर, सत्य बोलने से आप पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। फिर अब अगला हम देखेंगे, भाषा के रंग, धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे मांस है, मांस में इक लगा दिया आपने तो क्या हो गया, मांसिक। पक्ष है, तो पक्ष में इक आपने लगाया, पक्ष प्लस इक, तो क्या होगा, पाक्षिक। वर्ष में वर्ष प्लस इक लगाया तो क्या होगा, वार्षिक। सप्ताह में सप्ताह प्लस इक लगाया तो क्या होगा, साप्ताहिक। फिर सावधान, अ प्लस सावधान, असावधान हो गया, पूर्ण में हो गया अ प्लस पूर्ण, अपूर्ण। रुचि, अ प्लस रुचि, अरुचि। न्याय में अ लगा कर बनाएंगे तो अ प्लस न्याय, अन्याय। प्रसन्न में अ प्लस प्रसन्न, अप्रसन्न होगा। सभ्य में अ प्लस सभ्य, क्या होगा, असभ्य। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अभी क्या है कि एक वाक्य दिया है, उसका एक शब्द क्या होगा इसको लिखना है। जो पिता का भक्त हो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभक्त, एक शब्द में। जो सत्य बोलता हो उसको एक शब्द में बोलेंगे, सत्यवादी। जिसे सत्य प्यारा हो उसे एक शब्द में बोला जाता है, सत्यप्रिय। जो सत्य के लिए आग्रह, एक शब्द में बोला जाएगा, सत्य आग्रह। फिर कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। अनुशासन, देखिए अनुशासन, इसको शुद्ध रूप ये होगा, अनुशासन। धार्मिक, ये दिया है गलत है, धार्मिक ऐसे होगा। साहसी का होगा, साहसी, ये सही है। हरिश्चंद, चंद्र, हरिश्चंद्र ऐसे लिखा जाएगा। सुलेख का सुलेख ये होगा। लाभकारी का होगा, लाभकारी ये होगा। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, यह बात मुझे अच्छी लगी और तब से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है। प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए,
इस वाक्य में प्रातः काल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिनमें एक इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो। तो शब्द होंगे, हमारे पिताजी आज प्रातः काल मुझे व्यायामशाला ले गए। प्रातः काल यूज हुआ है ना, प्रातः काल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।